me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, baytaka dawman qareeb. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं सब लोग। दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। रमज़ान मुबारक की मुबारक हो तमाम मेरे YouTube फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, दुनिया में जहाँ जहाँ हैं मुसलमान सबको रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। हम लोग बनाने आए हैं इफ्तारी और अभी टाइम हो चुका है 5:30 और हमारा रोज़ा इफ्तार होगा 7:24 पे। तो ये बेटर तैयार किया, सब्ज़ियाँ काटी हैं पकौड़ों के लिए और मसाले ऊपर डाल दिए हैं, ज़ीरा पाउडर और अजवाइन और चिली फ्लेक्स और धनिया, साबुत धनिया को पाउडर कर लिया था। और ये मेरी बेटी ने मैरिनेशन तैयार किया है चिकन का, जो बनाएंगे हम क्या आयशा बनाएंगे, रैप्स बनाएंगे जो इनके फेवरेट हैं। आयशा का भी रोज़ा है हमारे यहाँ, उमर का है, मेरे हस्बैंड साहब का है, बाकी दो छोटे बच्चे अभी रोज़ा नहीं रखते, वो इस एज पे नहीं है। और ये हमारा किचन है सब, ये देख रहे हैं ये कुछ मसालों के जार मैंने बाहर रखे हुए हैं जो बहुत अंदर जगह भी नहीं थी कैबिनेट्स में इतनी ज़्यादा। और ये भी मेरे सॉसेस वगैरह हैं सब, हनी है और बाहर बारिश हो रही है। ये देखिए ये हमारे किचन का मंज़र है बाहर का, ये दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये हमारा किचन का बाहर का है सब जी, वो देखें दूर तक। अच्छा जनाब, और ये हमारे बर्तन धुले हुए हैं लेकिन अभी मैंने इसको रखा नहीं है, अभी मैं रखूँगी। तो चलें अब मैं इससे आगे का काम चिकन फ्राई करने का शुरू करती हूँ जी। अब ये ऑयल रख दिया है मैंने और चिकन को मैं डिप करने लगी हूँ बेटर में और फिर फ्राई करके इसको रख दूँगी और फिर इसको टॉर्टिला जो ब्रेड है उसके अंदर सेट कर लेंगे। तो इसको लो फ्लेम पे करना है, ये रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है। आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने कहा पहला रोज़ा है इनका, मतलब आज सबका पहला रोज़ा है, इन्होंने लास्ट ईयर भी रोज़े रखे थे माशाल्लाह। जी इसके बाद मैंने पकोड़े तलना शुरू कर दिए थे क्योंकि 7:00 होने वाले थे तो मेरे ये दो काम हो जाने थे। हमने फिर तुख्मे बालंगा और रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बनाया था जो बच्चों को बहुत पसंद है और तुख्मे बालंगा की बहुत सारी खसूसियात हैं, गर्मी को बहुत सारा कम कर देता है जल्दी से बॉडी से और मैदे को ठंडा कर देता है, इसलिए मैंने तुख्मे बालंगा को जो है पहले थोड़ी देर पहले उसको पानी में सोक करके रख दिया था और फिर शरबत बना दिया जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। ये मेरा दस्तरखान पे दो चीज़ें बनाई थी आज मैंने, और खजूर और इसके साथ ये सॉस बनाया था और फिर टॉर्टिला को जो है वो रैप को असम्बल कर लिया था, पहले सॉस स्प्रेड किया और फिर उसके ऊपर
सैलड लीव्स रख दिए और फिर उसके ऊपर चिकन और फिर टोमेटो एंड अनियन, जो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। अच्छा रोज़ा हो गया हमारा। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं बनाते क्योंकि बच्चे जो चीज़ खाएंगे घर में वही चीज़ बनाई जाती है हमारे घर में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय।